नमस्कार। विधि विधान चैनल न्यूज चैनल वालों, दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। आज का विषय जो है सिद्ध संतों की श्रृंखला का एक विषय अपन लेते हैं। भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों संत हुए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस भारत भूमि पर रहकर अपनी सेवाएं मानव जाति को अर्पित की। उनको अपने शरीर से, अपने स्वार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं रहा। ऐसे संतों की, सिद्धों की यह पावन भूमि हमारा भारतवर्ष अभी भी सैकड़ों संतों से भरा हुआ है। उनमें से ही एक सिद्ध संत हुए बाबा नीम करौली वाले, जिनका नाम देश में नहीं पूरे विश्व में आज भी बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से लिया जाता है। इनसे मिलने के लिए देश से बाहर भी बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता जो विदेशों में रहे, अमेरिका जैसे, रूस, ब्रिटेन, वहां से भी इनके दर्शनार्थ भारत आते थे वे लोग, और उनके बिगड़े हुए कार्य बाबा की कृपा से बनते ही गए और बनते ही जा रहे हैं। आज भी जब 11 सितंबर 1973 को बाबा अपने शरीर छोड़ने वाले थे, उससे एक दिन पहले उन्होंने अपने निज भक्तों से, निज का मतलब जो उस समय उनके पास थे, उन लोगों से उन्होंने बोला कि अब मेरा बुलावा आ गया है, टेलीफोन टेलीग्राम आ चुका है, मैं अब इस वस्त्र को छोड़कर और आप लोगों को अब मैं अमरकंठ में ताट वाले बाबा के नाम से वहां पर दर्शन दूंगा। इतना उन्होंने कहा, पर लोग बाग भक्त लोग नहीं समझ पाए। दूसरे दिन 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना यह नश्वर शरीर त्याग कर और अखंड समाधि में लीन हो गए। उनकी समाधि स्थल वृंदावन में आज भी बहुत सिद्ध और प्रसिद्ध है। इसी के साथ जो बाबा ने वचन दिए थे कि मैं अब आप लोगों को अमरकंठ में मिलूंगा, जो श्रद्धा से और समर्पण से मेरे पास निस्वार्थ आएगा, मैं उसको शरीर सहित दर्शन दूंगा, लेकिन मेरे वस्त्र रहेंगे टाट। टाट यानी फट्टा, जो अपन नारियल भर के आते हैं वो बोरे, इस प्रकार के वो टाट वस्त्र आज भी बाबा शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर से दर्शन देते हैं अमरकंठ में। तो उन्हीं की ये कई किस्से ऐसे सिद्ध और प्रसिद्ध हो गए हैं कि उन्होंने कई भक्तों को, कई बच्चों को जीवन दान, मरने के बाद भी उनको जीवन दान दे दिया है, जीवित हो गए हैं ऐसे सिद्ध संत बाबा नीम करौली वाले। नैनीताल जून के महीने में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। देखिए बाबा की कृपा कि आज पूरे विश्व में कोरोना का संकट, कोरोना वायरस का संकट मानव के ऊपर है, लेकिन नैनीताल में एक भी केस आज भी नहीं मिला। ये कृपा उनकी ही है। इसी प्रकार एक स्थान और अपने देश में है, वह है राजस्थान का खाटू गांव, जहां पर बाबा श्याम के नाम से वहां के जो स्थानीय देव हैं, खाटू वाले नरेश के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह भी एक कहानी महाभारत काल के
वरवरीक बालक जो कि 12 साल की अवस्था थी इनकी, उनके नाम से उनका जो भी साहित्य या कहानी किस्सा जो भी है महाभारत से जुड़ा हुआ है वो आगे अपन आपको बताएंगे, जो कि आज भी वहां पर जाने वाले प्रत्येक भक्तों की कामना पूरी होती है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। पहली बार किसी के कहने से या नहीं बिगर अपने मन से ही मैं वहां पर चला गया, लेकिन वहां से आने के बाद मेरा मन आज भी वहीं पर लगा रहता है। तो इसलिए किसी के बताने से नहीं, एक बार आप सुने, यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप भी जाकर वहां दर्शन करें और दर्शन लाभ लें। बाबा श्याम देव की कृपा आपके और आपके परिवार पर निश्चित रूप से होगी। जो हारे का सहारा, सारे संसार से जो हार गया, सारी समस्या से जो हार गया, संकटों से हार गया, वह व्यक्ति वहां एक बार निश्चित रूप से जाए और श्याम बाबा के दर्शन करे, उनसे प्रार्थना करे, तो आप ये मान के चलिए कि आपको फिर हराने वाला संसार में कोई नहीं है। आज भी कोरोना वायरस का एक भी मरीज या व्यक्ति वहां पर नहीं मिला, ये भी उनकी ही कृपा समझिएगा। तो इसी प्रकार सैकड़ों सिद्ध संत आज भी शरीर से हजारों हजार साल की आयु के हैं, जो यदा कदा जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है उनको दर्शन देते हैं, ये मेरा विश्वास है। होशंगाबाद नगरी मध्य प्रदेश की, होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद शहर, जहां पर मां नर्मदा बहती हैं, वहां पर भी उनके दोनों तटों पर आज भी सशरीर सिद्ध संत साधना रत हैं, जो यदा कदा जिसकी ऊपर कृपा हो जाती है उनको दर्शन देते हैं, यह निश्चित है। आज भी होशंगाबाद में एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। जिले में भले ही हो लेकिन शहर में नहीं है, ये मात्र मां नर्मदा की कृपा समझिएगा और उन सिद्ध संतों की जो वहां पर शरीर से अभी भी तपस्यारत है, उसका भी अनुभव मेरा प्रत्यक्ष है। एक हम लोगों का क्या था, पहले कॉलेज में जब पढ़ते थे तो शाम को रात के समय वहां पर नर्मदा जी के दर्शन करने जाते, बैठ के अपने धर्म की चर्चा करते थे और उसी समय एक व्यक्ति अंधेरे में से चला आता और सिर्फ ये बोलता था कि हे नानी माता, नर्मदा मैया को सब माता मानते लेकिन वो क्या बोलता था, नानी माँ, हे नर्मदा नानी माँ, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें, जो भी उसकी प्रार्थना थी करता था। इसी प्रकार जब हम लोगों को उसको देखते देखते कई दिन व्यतीत हो गए, तो एक साथ में बच्चे लोग तो थे, कुछ मजाक करने की सूझी, गए उनके पास उतर कर के, बाबा जी आप रोज आकर नर्मदा मैया से आप नानी माँ बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो वो बोले बिल्कुल निश्चल भाव से कि मेरी माँ इनको माँ बोलती थी तो ये मेरी नानी हुई, आज भी मेरे को नानी माँ पे विश्वास है, जो कुछ मैं कहता हूँ मेरा सब काम बनता है। तो उस जो हमारा मित्र गया था उनसे मजाक में बोला कि आपकी बात मानती है तो एक बात बोलो, तो बोलो, तो वो बोले कि बोलिए, तो आप मेरे को अपनी नानी माँ से एक 5 रुपए दिलवा दो। बोले ठीक है, उनने नर्मदा मैया में हाथ डाला जैसे ही और बाहर निकाला तो बिना गीला हुआ पानी का एक 5 का नोट उनके हाथ में उसको दे दिया। ये बिल्कुल सत्य घटना है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है कि आज भी नर्मदा मैया सशरीर से इस मृत्यु लोक में देवी के रूप में विराजमान है। इसके बाद वो व्यक्ति हमको उस दिन के बाद से कभी दिखा ही नहीं, आज तक नहीं दिखा। तो ऐसे सिद्ध संतों की यह भारत भूमि है, उन्हीं की अगली कड़ी में जो भी
नाम हमारे मन में आएगा, हम उसके विषय में बताएंगे। लेकिन अभी यह बताना इसलिए जरूरी है कि इन संतों की कृपा से ही भारत वर्ष में, पूरे विश्व में जो कोहराम मचा है, फिर भी अपने इधर उसकी बहुत कम मात्रा में उसका प्रभाव पड़ा, ये सिर्फ उनकी ही कृपा है। जो ऐसे सिद्ध संत हमारे इस भारत भूमि में हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और आप लोगों से भी निवेदन है कि उनका स्मरण यदि आपको लगे तो करना चाहिए। राम राम, जय राम जी।